महेंद्रगढ़ की कनीना में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे के बाद सरकार ने निजी स्कूलों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है, जिस कड़ी के तहत सोहना खंड के अधीन आने वाले प्राइवेट स्कूलों की बसों के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस अभियान में ट्रैफिक पुलिस, शिक्षा विभाग, रेवेन्यू विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। खंड के स्कूलों की बसों की चेकिंग के लिए 3 दिन का शेड्यूल बनाया गया है, जिस शेड्यूल के तहत स्कूल संचालक अपनी अपनी स्कूल बसों को लेकर सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम लेकर आएंगे, जहां पर सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। आपको दिखाई दे रहा यह नजारा सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग व ट्रैफिक पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूल बसों की चेकिंग कर रहे हैं। नियम पूरे नहीं करने वाले स्कूल बसों के चालान काट रहे हैं, तो वहीं कुछ बसों को एम्पाउंड भी करने का बनाया जा रहा है। हालांकि प्राइवेट स्कूल संचालक सिर्फ उन्हीं बसों को चेकिंग के लिए लेकर आए हैं जो नियमों को पूरा करती हैं। उन स्कूल बसों को चेकिंग के लिए नहीं लेकर आए जिनके मानक पूरे नहीं हैं। इसके अलावा अधिकतर स्कूलों ने कुछ निजी वाहनों को भी हायर किया हुआ है, जो बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम करते हैं। उन वाहनों पर भी यहाँ नहीं लाया गया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन द्वारा उन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है जिन्होंने अपने स्कूलों में स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए कानून को ताक पर रखकर निजी वाहन हायर किए हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिन स्कूल वाहनों को स्कूल संचालक चेकिंग के लिए नहीं लेकर आए हैं, उन स्कूल संचालकों के खिलाफ किस तरह की आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बसों की चेकिंग अभी की जा रही है, सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें हमें स्कूल बसेस के जो वेरियस पैरामीटर्स हैं जो पॉलिसी में मेंशन है उसको कंप्लाई करवाना है, और जिसका कंप्लायंस नहीं है उसका एक्शन लिया जाएगा, तो उसके अंतर्गत ये चेकिंग की जाए। हमने एक शेड्यूल बनाया है पूरा सोहना की स्कूल्स की बसेस का, तो उसके हिसाब से हमने शेड्यूल शेयर किया है और उसी हिसाब से बसेस आ रही है। इसमें कई सारे नियम हैं पॉलिसी में, जैसे कि उस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सभी हम लोग चेक कर रहे हैं। 100% कंप्लायंस इंश्योर करवाएंगे कि इन बसेस का 100% कंप्लायंस हो सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत। इसमें जी रेवेन्यू विभाग है, पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, एजुकेशन विभाग है, RTA है, ये विभाग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हमने 3 दिन का शेड्यूल बनाया है, तो अगर उसके बाद भी कोई बसेस पेंडिंग रहती है तो हम कंप्लीट करेंगे उसको।